बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे को लेकर तंज कसा। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, आप एक नहीं 10 बार ग्वालियर आइए, आपका स्वागत है, क्योंकि मध्य प्रदेश की धरती पर भाजपा सरकार ने जो विकास के काम किए हैं वो आपकी सरकार में कभी नहीं हुए हैं। वीडी शर्मा ने कहा कि मिसेज गांधी, आप मध्य प्रदेश में हुई हर छोटी से छोटी घटना पर ट्वीट करती हैं, लेकिन जब कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति अपराध करता है उस पर आप ट्वीट नहीं करती हैं। इससे तो साफ होता है कि आप और आपकी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि राजस्थान और कांग्रेस शासित राज्यों में जिस प्रकार से दलित, आदिवासियों और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं उस पर प्रियंका गांधी को बोलना चाहिए। बीडी शर्मा ने कहा कि प्रियंका गांधी नारा लगाती हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो फिर वे राजस्थान की बेटियों के लिए क्यों नहीं लड़ती हैं। बीडी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस नेतृत्व हमेशा दोहरा चरित्र अपनाता है। हर छोटी छोटी बात पर ट्वीट करने वाली प्रियंका गांधी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति द्वारा दलित भाई के मुंह में मल डालने पर कोई ट्वीट नहीं करती हैं, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलती हैं। बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस केवल एक परिवार तक का सिमट गई है और उस परिवार से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी निकले हैं। और तुष्टीकरण की राजनीति पर पूछना चाहता हूँ, जब प्रियंका जी अपना ट्वीट करती है, लेकिन जब कोई अल्पसंख्यक समुदाय का अपराधी किसी दलित भाई के मुंह में पिस्ता डालता है तब आपको ट्वीट करना दिखाई नहीं देता, आप उसके बारे में एक शब्द। ऐसे एक नहीं मध्य प्रदेश के अंदर कई घटनाएं जिन पर आप तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस केवल और केवल एक परिवार तक सीमित करके रह गई है। इसलिए प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी बहुत आए थे, प्रियंका जी भी गई थी, उत्तर प्रदेश भी गई थी, उत्तर प्रदेश से कांग्रेस परिवार पलायन कर गया, तो मध्य प्रदेश का संगठन और मध्य प्रदेश की सरकार और गरीब कल्याण और विकास ये मध्य प्रदेश के अंदर इतना हुआ है कि प्रियंका जी आप एक बार भी इतना और आइए, हम आपका स्वागत। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।